हे गाइस, आज मैं आपको भिंडी दो तरह से बनाना बताऊंगी। अगर आपके बच्चे भिंडी खाने में नाक मुंह से सिकोड़ते हैं तो वे देखिएगा कितनी जल्दी भिंडी को खाने लगेंगे। बहुत ही टेस्टी भिंडी बनती है। तो सबसे पहले मैंने भिंडी को धो लिया है और इसको अच्छे से सुखा लिया है। इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए। अगर ज़रा भी पानी है तो आप ऐसे टॉवल से पोंछ सकते हैं। तो उसका पूरा पानी आप पहले सुखा लीजिए, फिर भिंडी को कट करेंगे। भिंडी का ऊपर का सिरा और पीछे का सिरा थोड़ा थोड़ा सा कट करके अलग कर देंगे। फिर भिंडी में बीच से ऐसे एक कट लगाएंगे और एक कट और बीच से लगाएंगे। इस तरह इसको भिंडी को चार टुकड़ों में कट कर लेके ऐसे लंबे लंबे पीसेस कर लेंगे। ऐसे हम लंबे लंबे पीसेस भिंडी के कट कर लेंगे। हम इस तरह सारी भिंडी को काट लेंगे। हमने पूरी भिंडी ऐसे काट ली है। मैं इसी भिंडी से दो तरह की सब्जी बनाऊंगी। इसको आधा आधा कर लेती हूँ। सबसे पहले मैं भिंडी को फ्राई करूंगी। इसके लिए गैस के ऊपर मैंने एक कढ़ाई चढ़ा दी है। उसमें कुकिंग ऑयल डालूंगी। तेल गरम हो गया है। अब मैं इसमें कटी हुई भिंडी डाल दूंगी। ये बीज थोड़े से ब्राउन टाइप के अगर दिखने लगे मतलब भिंडी अपनी फ्राई हो गई है। अब गैस को बंद कर देते हैं और भिंडी को निकाल लेंगे। इसे छन्नी लगा लेंगे बर्तन में जिससे तेल निथर जाए और सब भिंडी को निकाल लेंगे। या फिर आप पूरी कढ़ाई से ही इसको तेल पलट देंगे इसी छन्नी में, इससे तेल पूरा निकल जाएगा और भिंडी ऊपर रह जाएगी। पूरी भिंडी पर अभी तेल नीचे निकल गया। अब मैं यहाँ प्याज और हरी मिर्च को कट करूंगी। इसमें प्याज ज्यादा अच्छी लगती है। प्याज को ऐसे लंबी लंबी कट करेंगे तो अच्छी लगेगी इसमें। तो लंबी लंबी प्याज काट लेती हूँ। लंबी लंबी प्याज काट लिया। इसी तरह हरी मिर्च भी बीच से कट करके ऐसे भी डाल सकते हैं। आप और पतली करना चाहें तो और पतली कर लें। इसे लंबी लंबी हरी मिर्च भी डाल दूंगी। इससे क्या होता है, बच्चे अगर हरी मिर्च पसंद नहीं करते हैं तो उसको अलग कर सकते हैं, लेकिन जो हरी मिर्च का फ्लेवर है वो भिंडी में मिक्स हो जाता है। इसलिए मैं इसे लंबी लंबी काट रही हूँ। ये मैंने प्याज और हरी मिर्च को लंबी लंबी काट लिया है। जिस कढ़ाई में मैंने भिंडी फ्राई की थी वही कढ़ाई चढ़ा दी है। अब इसमें मैं सरसों का तेल डालूंगी। सरसों के तेल से अब भिंडी बनाऊंगी। बहुत तेल नहीं डालना है, थोड़ा तेल डालना क्योंकि भिंडी फ्राई कर चुके हैं इसलिए ज़्यादा तेल नहीं लगेगा। तेल गरम हो गया है। अब इसमें थोड़ा सा जीरा डालूंगी, फिर हरी मिर्च डालूंगी, फिर प्याज ऐड कर दूंगी। प्याज की सारी परतें खुल गई हैं। ये एक एक ऐसी लंबी लंबी प्याज दिखने लगी है। ये ऐसी प्याज को अगर जल्दी भूनना है तो इसमें नमक ऐड कर देंगे तो प्याज जल्दी से भून जाएगी। अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक ऐड कर दीजिए। गैस को थोड़ा धीमा कर लेंगे। प्याज भून गई है। अब इसमें मसाला ऐड करेंगे। अब इसमें धनिया पाउडर,
डेढ़ चम्मच के करीब, थोड़ा सा हल्दी पाउडर आधा चम्मच के करीब और आधा चम्मच के करीब गरम मसाला ऐड कर देंगे। इसको मिक्स कर देंगे और इसमें अब इसमें जो फ्राई किया है भिंडी उसको मिक्स कर देंगे। अब इसको धीमी आंच में 2 मिनट के लिए ढक देंगे। फ्राइड भिंडी रेडी। गैस को बंद कर देते हैं। ये हमारी एक तरह की भिंडी रेडी हो गई है। फ्राइड भिंडी बहुत ही कुरकुरी बनती है और बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है। अब मैं एक दूसरे तरह की भिंडी बताती हूँ उसको कैसे बनाना है। दूसरी तरह की भिंडी बनाना बता रही हूँ। अब इसमें मैंने कुछ प्याज, हरी मिर्च और लहसुन ले लिया है। इसको चॉपर में चॉप कर लेंगे। इसको ज़्यादा महीन चॉप नहीं करेंगे, बस ऐसे कट हो जाना चाहिए। एक कढ़ाई लिया, उसमें मैं सरसों का तेल डाल रही हूँ। तेल गरम हो गया है, अब इसमें थोड़ा सा जीरा, थोड़ा सा राई और ये चॉप किया हुआ प्याज डाल देते हैं। प्याज को ज़्यादा नहीं भूनना है क्योंकि भिंडी को भी भूनना है अभी, इसलिए बस हम थोड़ी देर में ही भिंडी को डाल देंगे। भिंडी को ओपन ही भूनना है, इसको ढांकना नहीं है, नहीं तो ढांकने से भिंडी अपनी चिपचिपी बनेगी, इसलिए इसको ओपन ही बार बार चलाते जाएंगे जिससे भिंडी जलेगी और तेज आंच में ही इसको भूनेंगे। भिंडी भून रही है और प्याज भी भून रही है। भिंडी को लंबी इसलिए काटते हैं क्योंकि जो भी मसाला तेल सब है भिंडी के अंदर तक चला जाए। अगर गोल गोल काटेंगे तो भिंडी के अंदर तक मसाला नहीं जाता है, इसलिए मैंने भिंडी लंबी काटी है। और ये अब चिपक भी नहीं रही है भिंडी, देखिए बिल्कुल ये भिंडी चिपचिपी सी नहीं लग रही है। अब मैं इसमें मसाले ऐड करूँगी। मैं धनिया पाउडर डालूँगी 2 चम्मच के करीब, आधा चम्मच से थोड़ा कम हल्दी और आधा चम्मच गरम मसाला। इसको चला देंगे। अब इसमें मैं भुना बेसन डालूंगी 2 चम्मच के करीब। बेसन को मैंने पहले से भून कर रख लिया था। अब इसमें मैं नमक ऐड कर रही हूँ। बेसन भुना हुआ है इसलिए ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, थोड़ा देर और अभी भिंडी को भून लेते हैं। जो खट्टा पसंद करते हैं वो अमचूर भी डाल सकते हैं या आप ऊपर से लेमन जूस डाल करके भी खा सकते हैं। दोनों तरह की भिंडी आप लोग को बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है। और जिनके घर में बच्चे भिंडी बिल्कुल नहीं खाते हैं, जबकि भिंडी बहुत ही हेल्दी होती है, बच्चों को तो खाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए आप ऐसी भिंडी बनाएंगे तो बच्चे ज़रूर खाएंगे। हमारी ये दूसरी तरह की मसाला भिंडी बिल्कुल रेडी है खाने के लिए। आज मैंने 2 तरह की आपको भिंडी की रेसिपी बनाई है। दोनों ही बहुत ही टेस्टी बनती है, आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।